आप देख रहे हैं हरित क्रांति न्यूज। हरित क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं कुशीनगर जिले के दुधई विकास खंड में, जहां पे बाढ़ आने के बाद लोग घरों से निकलकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कुशीनगर में एक सप्ताह से हो रहे लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी बाढ़ जैसी हालात पैदा कर दिया है, जिससे जिले के दर्जनों गांव के सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया है और लोग अपना घर छोड़कर सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों के घाव पर मलहम लगाने को कोई तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले के दुधई विकास खंड के ग्राम पंचायत पटौन मुड़ी धूसा टोले की, जहां बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसके वजह से दर्जनों परिवार के लोग बेघर होकर सड़कों के किनारे खुले आसमान तले अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बारिश का पानी बाढ़ जैसा रूप धारण कर लिया है, जिससे लोगों के घर के अंदर 3 से 4 फीट पानी घुस गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं और वो अपना आशियाना छोड़कर सड़कों के किनारे जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इस समय तक अगर बात करें तो कोई भी जिम्मेदार इनकी देखने के लिए नहीं आया और ये बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, यहाँ तो नई नवेली दुल्हन भी सड़कों के किनारे दूसरे के घरों में या सड़कों के किनारे तिरपाल तानकर अपने 2 वक्त की रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 4 दशक पूर्व बड़ी गंडक नदी के कटान से प्रभावित होकर ये लोग यहाँ आकर अपना आशियाना बनाए थे कि शायद भविष्य में इनके जीवन में इस तरह की बाढ़ न देखना पड़े। लेकिन शायद इन्हें ये पता नहीं था कि इन्हें बाढ़ की फिर समस्या देखनी पड़ेगी, जो आज यह उससे ग्रसित हैं और बाढ़ इनके ज़िंदगी में फिर एक बार आकर इनको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रशासनिक जिम्मेदारों की, तो इस मामले पे प्रशासनिक जिम्मेदार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत तो की गई, लेकिन अभी तक कोई सुधि नहीं लिया और ना ही इन बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद की गई है। इस्तेमाल बनी जा रोड पर खड़ा बनी जा, नीचे पानी ऊपर पानी हो बटे, अरे केहू कुछ निहार नहीं है। हेती हेती लड़का बड़े सन खाए खातिर रुत है सन, केहू में उनके कुछ निहारे नहीं है। बन जा 100 आदमी जा एक शिकायत कैले बड़े कहीं निहार हमने के नहीं है, क्यों कुछ निहार होकर तो जल्दी आकर पानी उन्हें अपन गिरा दी जान खानते में हमने के पानी घर में दाण भर पानी भर गई सब। एक शिकायत क्यों से कहले रहा कि नहीं कहले रहा हमने के नहीं शिकायत क्यों से कर जाए कर लिया क्यों से शिकायत नहीं करेगा क्योंकि बच्चा वैसे हेती हेती खले भी रोता लोग चूल्हे में कैमे आँच बारी जा ऊपरों पानी नीचे पानी बाहन के केहू सुविधा नहीं खेती खैला भी नहीं माल जाल बकरी छीर सब केहू मरता वही तरह केहू सुविधा उनके दिनहार नहीं है ना हाकिम लोग कहता लोग ना सरकार लोग कहता लोग ना केहू उनका दाही नहीं चल जा खैला भी नहीं मरता जा हमके लगा हुआ सामान निकाल कर डगर पे लेते हैं जा कहां आखिर कहां लेके जाता राजू बाढ़ के मारी घर डूबता माल जाल सब डूबता है। कितना दिन से समस्या भाई? 10-15 दिन हो गए कि पानी कहाँ चीके हो, कहाँ से पानी आये भाई? पानी बरखा के पानी हो गड्ढा में चारों से पानी आके या रुका ताकि न पानी के लगे दाव नहीं खे। नाम का पानी तो बहुत खतरनाक पानी है। हम लोग पानी में अगर सब लोग नहर पर बैठ के हम लोग गुजारा कर रहे हैं, मतलब कि इतना तबाही में है कि हम लोग खाना खाने के लिए जगह नहीं है जी। हम लोग पानी से किनारे हट के खाना खाएं, इतना गंज हम लोग पानी में भी देख रहे हैं सामने पानी में क्या हालत है, कैसे है, हम लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, यही समस्या है। कितने लोग लगभग इससे प्रभावित हैं? इसमें हम जानते हैं जो लमसम 100 लोग है। 100 लोग में घर के पानी और मतलब कि बुखार गिरा हुआ है, अनाज डूबा हुआ है, घर में पानी लगा, मतलब कि जो घर में खाना खाने के रखा गया है वो सब मतलब कि पानी में नुकसान हो गया है। मान लो तरह तरह की कष्ट हम लोग कर रहे हैं। कितने दिन उस पर लमसम ये हो गया? 15 दिन से ऊपर हो गया। हाँ 15 दिन लमसम हो गया। 15 दिन से बारिश से पानी सुस्ता हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 10 गांव के मतलब बीचों बीच के सारी पानी इधर ही जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर नाला वगैरह कटवा दे तो पानी साली नाले के उधर झांसी की तरफ निकल जाएगा।
जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग तो सैकड़ों घर उग्र मिलकर सभी लोग तबाह हैं और पानी में तरह तरह की गजन तकलीफ उठा रहे हैं। जो भी खाने पीने की व्यवस्था है अपना नहर के किनारे पटरी पर लेकर अपना सुविधा व्यवस्था बना रहे हैं, तब उनको भोजन मिल रही है। शिकायत किया गया था मगर अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ है, न कोई यहाँ पर आया है।